बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आज पढ़ना है वो है, हमने मैन्युफैक्चर करना है सोडियम मेटल को फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, यानी कि NaCl से हमने सोडियम मेटल हासिल करनी है ऑन अ कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल के लिए जो सेल इस्तेमाल किया जाता है उसको डाउन सेल कहते हैं। डाउन सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बनाना आता होना चाहिए। इस तरह अपने स्ट्रक्चर को बनाना है और ये दरमियान में एक और इसके दरमियान में ग्रेफाइट का लगा हुआ होता है एनोड, ग्रेफाइट का एनोड है और आयरन गेज लगी हुई होती है जाली लोहे की दोनों तरफ। अच्छा जी, इसके बाद आयरन गेज के बाद ये साइडों पे एक इसके होता है ट्यूब सी होती है, जिसमें सोडियम जो है वो कलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक इसके सुराख होते हैं NaCl डालने के लिए, इनलेट करने के लिए। यहाँ से क्लोरीन गैस इंजेक्ट होती है, खारिज होती है और यहाँ से NaCl आप इसके अंदर डाल सकते हो। और ये आपका कैथोड होता है, आयरन आयरन गेज कैथोड के तौर पर काम करता है। और ये वाला ग्रेफाइट का एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है। तो इसके अंदर जब इस सेल को चलाया जाता है, इसके अंदर NaCl ब्राइन की सूरत में हम इसके अंदर सेल डालते हैं, NaCl डालना है हमने। NaCl मोल्टन फॉर्म में इसके अंदर डाल देना है अपने मोल्ट। जब NaCl आप इसके अंदर डाल दोगे तो करंट जब इसमें से पास करेगा तो NaCl जो होगा वो अपने आयंस में तब्दील होगा, यानी कि जो Na है NaCl है ये अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा। ये 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब Na पॉजिटिव चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ जाएगा और Cl नेगेटिव है ये नेगेटिव चार्ज है ये एनोड की तरफ जाएगा। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, एनोड पर जब एट एनोड पहुंचेगा आपका Cl तो Cl नेगेटिव जो होगा वहां पे जाके इसकी रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, ये गैस जो है इस कोन शेप्ड जो बॉक्स है इसके अंदर इकट्ठी होगी और यहां से बाहर की सूरत में बाहर निकल दी जाएगी ऊपर से। अब इसके अंदर रह जाएगा Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव जो होगा वो कैथोड के ऊपर जाएगा, Na पॉजिटिव जो होगा वो कैथोड के ऊपर जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Na मेटल की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को आयरन की ये जो गेज है इसको सेपरेट करती है दोनों, इस कोन शेप्ड को और इसको सेपरेट करती है। जो आपका
होगा Na पॉजिटिव, ये लिक्विड की सूरत में होगा, मोल्टन फॉर्म में, और इस बाहर ट्यूब सी होगी एक, उसके अंदर बाहर कलेक्ट होता रहेगा, इस सेल से बाहर कलेक्ट होता रहेगा। जब ये ट्यूब भर जाएगी इसको खोल के निकाल लिया जाएगा और दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। और कमर्शियल स्केल ये तैयार किया जाता है आपका एन पॉज सोडियम। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन होगा आपका 2NaCl साइन ऑफ एरो 2Na प्लस Cl2, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हमने रीराइट कर लेना है। तो इस तरह ये आपका जो डाउन सेल है ये काम करता है, ऑन अ कमर्शियल स्केल ये काम करता है। आप कोई भी चीज़, आपको अगर मसला हो तो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार की जाती हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा।